सर, विगत मैं 8 वर्षों से पारा शिक्षिका हूँ और मैं जब से शिक्षिका पठन साल भर में जितना मैं पठन पाठन का कार्य नहीं करती उससे ज़्यादा मुझे अपना मानदेय बढ़ाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है इस सरकार के समय। 15 नवंबर से जिस आंदोलन में मैं कूद पड़ी हूँ वह आंदोलन तो मतलब उस आंदोलन की निंदा करना ही इतनी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उस आंदोलन की निंदा। 15 नवंबर को जो हम लोगों ने ठाना था कि सरकार अगर हमारे पक्ष में छत्तीसगढ़ के वेतनमान का अगर घोषणा करता है तो हम लोग उनके जयकारा का नारा लगाने के लिए गए थे, लेकिन सरकार ने तुरंत ही ऐसा कुछ कर दिया कि मैं 3.5 घंटे वहाँ पर बैठी, लेकिन सरकार ने हमारे संबोधन में 2 शब्द भी बोलना उचित नहीं समझा, जिसके कारण कि मैं रघुवर सरकार के सामने मैंने भी और हमारे कुछ साथियों ने मिलकर हमने काला झंडा दिखाया। वो काला झंडा देखते ही हम सरकार इतनी आक्रोश में आ गई कि हम सभी महिला शिक्षिका के ऊपर भी पुरुष प्रशासन से लाठीचार्ज करवाया गया, जिसकी की निंदा जितनी की जाए उतना कम है। और उस लाठी के दौरान बहुत सारी महिलाएं निवस्त्र होने की अवस्था में आ गई थी। जब सरकार का उनसे भी मनसा नहीं पूरा हुआ तो उन लोगों ने महिला शिक्षिकाओं को जेल में भर दिया। आज पारा शिक्षा की स्थिति इस तरह बदतर हो गई है कि उसे पेट भरने के लिए रोटी तक नसीब नहीं हो रहा है। उनके मासूम बच्चे बिलख रहे हैं, उनकी बूढ़ी माँ दवा के लिए तड़प रही है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। हमारी झारखंड सरकार कहती है कि हम टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे कि नहीं। क्या राज्य के मुख्यमंत्री का यही मंसूबा होना चाहिए? और राज्य का निर्माण करने वाले, देश के निर्माण करने वाले जो शिक्षक हैं उनको विद्यालय न भेजकर उनको होटवार जेल भेजा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है कि इन लोगों के ऊपर ऐसा दफा लगाया जाए जो बेल कराते कराते परेशान हो जाए। नहीं चाहिए झारखंड में शिक्षा। अगर झारखंड में शिक्षा नहीं चाहिए तो फिर देश का निर्माण कौन करेगा? अगर देश का निर्माण नहीं होगा तो देश की स्थिति किस रसातल में चली जाएगी, ये हमारी रघुवर सरकार को अभी तक पता नहीं चला है। आने वाला मैं ऐलान करता हूँ तमाम पारा शिक्षकों की ओर से, अगर आपकी बार हमारी मांगे नहीं मानी सरकार तो हम कलम को फेंकेंगे और हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। सरकार देते रहे हथियार सिलेंडर करेंगे। और 25 लाख का जो घोषणा सरकार कर चुकी है, 25 लाख लोगों को दे चुकी है, कितने लोगों को 25,000 देंगे सरकार? आप 25 लाख दीजिए और हम हथियार लेस जब हो जाएंगे, मैं सिपाही कहलाता हूँ, कौन सा सिपाही? तो कलम का सिपाही कहलाता हूँ। लेकिन आज कलम के सिपाही के जगह पर हथियार रूपी सिपाही बनने के लिए हमारी झारखंड सरकार मजबूर कर रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम पंचानन पांडे, मधुपुर पारा शिक्षक। लोगों का ये उलगुलान जो हुआ है, ये छत्तीसगढ़ वेतनमान लेके ही वापस जाएंगे। हम लोग स्कूल जाएंगे, पूर्ण शिक्षक बन के जाएंगे। इस बार पारा शिक्षक बन के हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, ये हम लोगों ने तय किया है। ये उलगुलान तभी समाप्त होगा जब हमारे होटवार के तमाम साथियों को बाइज्जत बरी किया जाएगा और हम लोगों को छत्तीसगढ़ वेतनमान का लेटर दिया जाएगा, तो ये उलगुलान वापस होगा। नहीं तो ये उलगुलान चलते रहेगा। हमारी जीत जिस दिन होगी उस दिन ये उलगुलान समाप्त होगा, ये उलगुलान बंद नहीं होने वाला।